विश्व पर्यावरण दिवस के उपलक्ष्य में एसएमएस ट्रॉमा सेंटर में आज वृक्षारोपण कार्यक्रम का आयोजन हुआ। कार्यक्रम का आयोजन सामाजिक एवं आर्थिक विकास संस्थान और नर्सेज एसोसिएशन की ओर से किया गया। इस दौरान मुख्य अतिथि के रूप में चिकित्सा मंत्री डॉ. रघु शर्मा ने शिरकत की और साथ ही कार्यक्रम में एसएमएस मेडिकल कॉलेज के प्राचार्य डॉ. सुधीर भंडारी, अस्पताल अधीक्षक डॉ. राजेश शर्मा, सामाजिक एवं आर्थिक विकास संस्थान के संरक्षक डॉ. एसडी शर्मा, महासचिव संजीव शर्मा सहित अस्पताल के डॉक्टर और नर्सिंग कर्मचारी मौजूद रहे। कार्यक्रम में चिकित्सा मंत्री डॉ. रघु शर्मा ने कहा कि पूरा विश्व कोरोना जैसी महामारी से गुजर रहा है और ऐसी महामारियों से बचने के लिए पर्यावरण संरक्षण की जरूरत है, इसलिए अधिक से अधिक पेड़ लगाना आवश्यक है। कोरोना संकट के बीच जारी लॉकडाउन का असर पर्यावरण प्रदूषण पर पड़ा है कि आज पूरा वातावरण साफ दिखाई दे रहा है, इसलिए मानव सृष्टि को बचाने के लिए पर्यावरण संरक्षण बेहद जरूरी है। सीड्स के द्वारा पिछले 13 साल से ये वृक्षारोपण का कार्यक्रम किया जा रहा है। आज विश्व पर्यावरण दिवस है। आज जिस तरह की महामारी के दौर से पूरी दुनिया, देश और हमारा प्रदेश गुजर रहा है, ऐसे में अगर पर्यावरण संतुलित रहेगा प्रदेश का, तो मैं समझता हूँ कि ये महामारी का प्रकोप कम होगा। हमने चाहे नरेगा के अंदर भी अनुमत कार्यों में एक काम ये भी रखा है ज़्यादा से ज़्यादा वृक्ष लगाने का, और ये जो निरोगी राजस्थान का कार्यक्रम जो मुख्यमंत्री जी का ड्रीम प्रोजेक्ट है, इसका भी एक प्रमुख 10 हमने टास्क रखे हैं निरोगी राजस्थान में। उसमें एक टास्क है प्रदेश का पर्यावरण बचाने के लिए भी हमारे प्रदेश में युद्ध स्तर पे काम होगा। तो ये जो सीड्स ने काम किया है, मैं इनको साधुवाद करता हूँ और ये काम इनको जारी रखना चाहिए। और राजस्थान में हर व्यक्ति को जितना वृक्षारोपण होगा उतना पर्यावरण संतुलित रहेगा प्रदेश का, उतनी अच्छी बरसात होगी राजस्थान में, क्योंकि पानी हमारे यहाँ 1% है और हमारे पास भूभाग है पूरे कंट्री का 10%। तो जो पानी की कमी है और पर्यावरण के संतुलन के लिए, अभी आपने देखा होगा लॉकडाउन के दौरान कि हमारे झीलें, नदियाँ, तालाब, जिनको हमने कभी स्वच्छ नहीं देखा, वो सब आकाश आपका नीला दिखने लगा। तो ये सब हमारे लिए एक संकेत है कि अगर हम पर्यावरण को संतुलित रखेंगे तो हम स्वस्थ रहेंगे। पर्यावरण संतुलित रहना स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है। सोशियो इकोनॉमिक एंड डेवलपमेंट संस्था, इसको करीब जयपुर में 13 साल से हम फंक्शन कर रहे हैं। इसका मुख्य उद्देश्य है कि जो वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे है, सो विश्व के पर्यावरण को कैसे बचाएँ, न केवल कैसे पॉल्यूशन कम करें, पेड़ों की कटाई कम करें और जो पानी की दोहन हो रहा है पृथ्वी से उसको कम करें, साथ में जो नई नई बिल्डिंग्स, इसमें ज़्यादातर इंजीनियर्स एंड डॉक्टर्स के ग्रुप मिले हुए हैं, कंपाउंडर्स, नर्सेज, इंजीनियर्स, इनका ग्रुप है। सब लोगों की सोच एक है कि किस तरह इस धरती को, इस पृथ्वी को, का पर्यावरण को संतुलित रखें जिससे कि आगे आने वाली जो पीढ़ी हैं वो सुखी रहें। आज विश्व पर्यावरण दिवस पर हमारा पूरा आह्वान था, हम 2013 से लगातार जो है ये वृक्षारोपण का कार्यक्रम करते आ रहे हैं और उसमें सीड्स के माध्यम से हम कोलैबोरेशन में करते हैं। 10,000 पौधे सब सेंट्रल लेवल तक हमने आह्वान किया है, तो लक्ष्य 15,000 का है, मगर 10,000 पौधों का तो आज ही लगाना है और बाकी सारे पौधे हर चिकित्सालय में 1, 2, 5 पौधे जितनी भी जहां आवश्यकता है उस हिसाब से लगाया। हमने ये देखा इस बार कि ट्रॉमा सेंटर के अंदर आप देख रहे हैं आसपास यहाँ ग्रीनिश नहीं थी, पौधे नहीं थे, तो हमने ये सारा पक्का फ्लोर था इसको खुदवा के वापस ही करवाया है और ये बहुत आवश्यक था क्योंकि इस समय ये रेस्पिरेटरी जो डिजीज है, कोरोना भी उसी का अंग है और ये रेस्पिरेटरी डिजीज से बचाव के लिए वृक्षारोपण एक बहुत महत्वपूर्ण अंग है। और ये वृक्षारोपण हमने किया, 101 पौधे आज हम यहाँ चिकित्सालय में लगा रहे हैं, पूरे राजस्थान में 10,000 पौधे लगाए और पूरे राजस्थान के नर्सिंग कर्मचारी और सारे हमारे मेडिकल के एम्प्लॉयज मिलकर के और सीट्स के माध्यम से इस कार्यक्रम को कर रहे हैं।